वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दबाव इस समय अब मिड कैप इंडेक्स झेलता हुआ सेल कॉल्स एक्सपर्ट की तरफ से आते हुए बहिती साहब के सामने लेते हैं, उनके रडार पे गया। बहिती साहब, क्या है आज के 10 के दमदार ट्रेड्स? जी आशीष जी, एसआरएफ में क्रैकडाउन देख रहा है, जिस हिसाब से वापस 200 डेमा को अप्रोच कर रहा है एसआरएफ, हमें लगता है कि यहाँ से अगर 200 डेमा टूटता है तो और सेलिंग इंटेंसिफाई होती हुई दिखती है, और जिस हिसाब से जो इसके 10 मई के लो थे, हमें लगता है कि ये वापस उसे रीटेस्ट कर लेगा। तो करंट लेवल पे सेलिंग की सलाह है एसआरएफ में, 2250 का एक एसएल लगाना है, और जो टारगेट्स आ रहे हैं वो 2170 के और 2130 के टारगेट्स के लिए एसआरएफ में बिकवाली की सलाह है। दूसरा ट्रेड जो है हमें खराब लग रहा है वो है मेट्रोपॉलिस का, जिस हिसाब से वापस सेलिंग इंटेंसिफाई होती हुई दिख रही है मेट्रोपॉलिस में, करंट लेवल पे भी एक सेलिंग इनिशिएट किया जा सकता है। 1570 का एक एसएल लगाकर हमें लगता है कि ये यहाँ से फर्दर स्लाइड होकर 1440 तक के लेवल दिखा सकता है। अडानी पोर्ट्स में जो सेल दिया था, हमने डिस्कस किया था, हमारा मानना है कि जरूर उसमें बने रहे, बाय ट्रेनिंग द स्टॉप लॉस, जो स्टॉप लॉस था उसे 690 के करीब स्टॉप लॉस ट्रेल करके उसमें बने रहने की सलाह है। ओके, अदानी पोर्ट्स अगर आप हैं, आपकी कॉल है। ये सारे ट्रेड्स लिखाइएगा, और जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि अदानी पोर्ट्स, अदानी समूह के स्टॉक्स जो हैं आज वो शॉर्ट के प्राइम कैंडिडेट्स हैं। आशीष के अगर आप देखें, दो ट्रेड्स हैं, अदानी पोर्ट्स एंड एसआरएफ। केमिकल स्पेस में 2130 के टारगेट के लिए 2200 की रेंज में शॉर्ट करें, करीब 2250 का स्टॉप लॉस रखिए। इंडस्ट्रीज का लास्ट लेवल नोट कर लेते हैं, इट्स 16041 ऑन निफ्टी एंड 34600, यानी करीब 3/4% ऊपर निफ्टी बैंक। HDFC बैंक इस वक्त करीब 0.2% ऊपर, HDFC लगभग 1.5% ऊपर, नेस्ले करीब करीब 2% ऊपर, और दो बैंक्स एक्सिस और ICICI बैंक अब करीब करीब 1%